यहाँ पे है मेरा सामान, यह मेरा हेलमेट, मेरा बैग, लैपटॉप बैग एंड मेरा सैडल बैग। कर दे रहा है। ना ना दिक्कत ना हो, अपना ही भाई है। क्या बोले भैया? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? लद्दाख सीरीज़ को इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि लद्दाख सीरीज़ को कंप्लीट करते करते मैंने 29 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया और बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारा मिस्टेक हुआ इस पूरे जर्नी में। आप लोग को भी थोड़ा बुरा लगा, मुझे भी थोड़ा ख़राब लगा, बहुत सारा अनवांटेड चीज़ हुआ। तो सब कुछ को पीछे छोड़ करके नई जर्नी की स्टार्ट करते हैं हमारे एज़ुअल टैग लाइन से। बड़े को प्रणाम, छोटे को हाय, और मेरे वाली को क्या हाल चाल है मेरे भाई? नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम अभिनव और आप देख रहे हो आपका अपना अभिनव ब्लॉग। इस वक्त फिलहाल मैं हूँ रांची में और मेरी ट्रेन है यहाँ से दोपहर के 3 बजे रांची रेलवे स्टेशन से, और मैं जा रहा हूँ कहाँ? मैं जा रहा हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो चलो फटाक से मैं जाता हूँ बाथरूम, रेडी होता हूँ। रेडी होने के बाद मैं निकलूँगा रेलवे स्टेशन के लिए। बाहर का जो मौसम है वो थोड़ा सा क्लाउडी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, और मेरी ट्रेन जो है वो 3 बजे खुल जाएगी और मुझे लग रहा है कि मेरी ट्रेन छूट सकती है। तो अभी फ़िलहाल मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वो तो मुझे खुद नहीं पता, बस मैं आपको इतना बता दूँ कि फ़िलहाल मैं हूँ रांची रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर है मेरा सामान, यह मेरा हेलमेट, मेरा बैग, लैपटॉप बैग एंड मेरा सैडल बैग, और इससे आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं कहीं राइड पे जा रहा हूँ। जी नहीं, मैं कहीं राइड पे नहीं जा रहा हूँ। मेरी बाइक जो है वो घर पे लगी हुई है, रांची में लगी हुई है फिलहाल, भैया के घर पे। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ फिलहाल दिल्ली, एंड हमारे साथ है निखिल भैया। निखिल भैया वहाँ पे अपने ब्लॉग करने में बिजी है, तो एक बार निखिल भैया आते हैं फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ निखिल भैया कौन है। और हमारी ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट आ रही है, वो देखो हमारी ट्रेन की एंट्री हो रही है। तो एक बार ट्रेन आ जाए फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रेन में चढ़ने के बाद कि आज का हमारा सफ़र कहाँ से कहाँ तक होने वाला है एंड क्या क्या मैं करने वाला हूँ इस पूरे जर्नी के अंदर। और दिल्ली पहुँचने के बाद आगे भी कुछ प्लान है, तो बने रहो वीडियो के साथ। चैनल करना हो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे ट्रेन के अंदर। तो ये है मेरी ट्रेन जिसके अंदर आज लगभग 22 घंटे तक का मेरा सफ़र होने वाला है। ये ट्रेन जो है ये हटिया रेलवे स्टेशन से रांची होते हुए, बोकारो होते हुए आनंद विहार तक जाती है। अराउंड लगभग 3 बजे के आसपास ये यहाँ से खुलेगी, और अगले दिन मतलब कल दोपहर 1 बजे के आसपास ये मुझे आनंद विहार उतारेगी। तो कोच है वो S6, और S6 में जो मुझे जो सीट मिला है वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि जस्ट गेट के बगल में मुझे जो सीट मिला वो है 3 नंबर और 6 नंबर। तो अपर बर्थ मेरा, अपर बर्थ निखिल भैया का। तो निखिल भैया से हाय, चेहरा दर्शन दिखा दीजिए। अभी फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अभी फिलहाल दिल्ली जा रहे हैं, और आगे क्या होगा वो आगे वाली वीडियो में पता चलेगा। मैं बहुत कम ही ट्रेन लॉगिंग करता हूँ, तो उसमें से कुछ कम में से ये एक सीन है जहाँ पे मैं ट्रेन लॉगिंग कर रहा हूँ। ये रहा हमारा बहुत ही चकचकाता हुआ मिरर जहाँ पे मैं ऐसे करके मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। तो ये ट्रेन जो है ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास खुलेगी। अभी 3-4 मिनट देर है ट्रेन खुलने में, तो ट्रेन एक बार खुल जाए फिर मैं आपको ट्रेन का एक छोटा सा टूर दूंगा, और फिर बाहर के नज़ारे जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेन ब्लॉगिंग का, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों को बना के दिखाऊँ। और दिल्ली पहुँचने के बाद कुछ धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग गेस करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली पहुँचने के बाद क्या धमाकेदार होने वाला है। रांची स्टेशन से ट्रेन जो है वो खुल चुकी है, और जैसे हर राइड की वीडियो को स्टार्ट करते हैं वैसे आज इस ट्रेन की जर्नी भी स्टार्ट करते हैं। तो महादेव जी का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, जय माता दी। मिलते हैं आपसे पता नहीं कब, क्योंकि अभी हल्का हल्का बारिश वाला माहौल है। ट्रेन गेट के बगल में बैठा हुआ हूँ, तो एक भी ऐसा नज़ारा नहीं है जो खूबसूरत हो और मैं उसको मिस आउट कर दूँ। तो काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और कैसा रहता है ट्रेन का एक्सपीरियंस, कैसा रहता है पूरे ट्रेन का जर्नी, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो हमारा ये रहा बर्थ गेट के बगल में, अपर बर्थ मेरा एंड अपर बर्थ निखिल भैया का। तो निखिल भैया कुछ बोलना चाहोगे? बोलना ये चाहेंगे, फर्स्ट टाइम जर्नी करने का मौका मुझे अभिनव भाई के साथ मिला और बहुत ही खुश हैं हम, फर्स्ट टाइम। लेकिन अफसोस है कि ये बाइक राइड नहीं है। हाँ, अफसोस है कि बाइक राइड नहीं है, लेकिन एक बार बाइक राइड हम जरूर करेंगे इनके साथ। और लगेज में क्या क्या ले जा रहा हूँ? लगेज में बस अपना लैपटॉप बैग लेके जा रहा हूँ, दोनों मेरा सैडल बैग है, हेलमेट है, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट। तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, मैं बस दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जाने के बाद मेरा क्या प्लान बनता है, कैसा प्लान बनता है मुझे खुद नहीं पता। तो सारा प्रिपरेशन के साथ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो होने वाला रांची के अंदर, मैं रांची आ गया था, लेकिन अभी तक मेरा जो फाइनल एग्जामिनेशन का डेट है अभी तक आया नहीं है। तो मैं सोचा चलो क्यों ना निकलते कहीं, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली पहुँचने के बाद क्या होगा
वो धमाकेदार है, हल्का फुल्का प्लानिंग हो चुका है, वो सब आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे। रांची का जंगल और बाहर का जो नज़ारा है भाई, वो देखते ही बनता है, किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा है। बाहर काफ़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड घाटी में जो धुंध छाया हुआ है वो अलग लेवल का है। अभी काफ़ी सुंदर सा नज़ारा था, लेकिन जैसे मैंने कैमरा ऑन किया जंगल झाड़ी आ गए, करीब जा सकते हैं। और ये रास्ता जब क्लियर हो जाए, ये जंगल झाड़ी जब खत्म हो जाए, तब आपको नज़ारे दिखाते हैं बाहर के। अभी फिलहाल कुछ ऐसे हैं नज़ारे बाहर के। काफ़ी सालों के बाद कहीं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मैं ट्रेन का जर्नी कर रहा हूँ। वैसे जब से मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तब से तो मैं बाइक से ट्रैवल करता हूँ, और अब बाइक से तो दिल्ली मेरे लिए दूर नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी ट्रेन से ऐसा लग रहा है कि 22 घंटा का जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा होने वाला है। और पता नहीं, शायद 2 से 3 साल के बाद मैं इतना लंबा जर्नी कर रहा हूँ, ओवरनाइट मेरी जर्नी है 22 घंटा का। नज़ारे कुछ ऐसे है, धान की फसल लगी हुई है और बहुत ज़्यादा मज़ा। बाबा जी है ये, इनको क्या आशीर्वाद दीजिएगा आप? उसको भी आशीर्वाद दिए, वो बहुत आगे बढ़ी, हमको भी दीजिए। हमको तो दिक्कत कर दे रहा है। ना ना दिक्कत ना, वो अपना ही भाई है। निखिल भैया को लगी थी भूख, तो हमने यहाँ पे IRCTC से लिया समोसा। समोसा 30 रुपीज़ प्लेट, इसके अंदर 3 समोसा है और समोसा पूरा ठंडा, 10 रुपया पीस समोसा में मिल रहा है ठंडा, क्योंकि शायद अभी पेंट्री कार जो है हमारे ट्रेन के अंदर वो काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा। चलो रिव्यू करते हैं आज हमारा समोसा, खा के बताते हैं कैसा टेस्ट है, कैसा स्वाद है, और क्या ये 10 रुपये का लाइक है भी या नहीं। तो हमारे निकल कर एक्सप्रेशन जानेंगे इसका, तो देखो अंदर में कुछ लग भी नहीं रहा है बस। अरे भैया मसाला भूंगा भी नहीं है ठीक से, तो सादा मसाला। एक तो साइज बहुत छोटा, 2 रुपये का समोसा 10 रुपये बेच रहे हैं भैया। जब हमारी सरकार ही हमें लूट रही, तो हम कर क्या सकते हैं? इसमें भी हमको भरोसा नहीं हो रहा कि उड़ा दिया है। क्या है? सॉस है, हवा से पूरा सॉस है, हवा से बुला दिया है। पढ़िए पढ़िए, देखो देखते हैं, छलक नहीं जाए। बहुत ही घटिया क्वालिटी का सॉस मिला हमें। समोसा क्वालिटी तो बकवास है ही, कम से कम सॉस का क्वालिटी बढ़िया दे देता है यार। बस और ये रहा हमारा पहला बैड एक्सपीरियंस इस पूरे ट्रैवल जर्नी का, समोसा खाने के बाद लग रहा है सुबह का खाना हुआ है, बहुत कड़ा, बहुत टाइट, खराब और पेट खराब ना हो जाए सॉस के नाम पे, ये पेट खराब ना हो जाए। शाम के 5:17 हो रहे हैं और फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं बोकारो, बोकारो स्टील सिटी, BKSC बोकारो स्टील सिटी। और अभी ये जो आप स्टेशन देख रहे हो, एक समय में ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, बहुत ही खटारा टाइप का ये स्टेशन हुआ करता था जब मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था 2015-16 में, लेकिन फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा रेनोवेशन का काम हुआ यहाँ पे। और ट्रेन यहाँ पे बिफोर टाइम पहुँची है, ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे 5:25 पे ये पहुँचने वाली थी, लेकिन 5:15 पे ये ट्रेन पहुँच गई है, तो उसका खुलने का टाइम हुआ 5:30, तो मेरे ख्याल से आराम से अच्छा खासा स्टॉप उसका होने वाला है यहाँ पे। ट्रेन जो है वो बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है, और निखिल भैया के इंतजार करते करते ट्रेन भी खुल गई, और निखिल भैया बहुत आगे चढ़ गए थे क्योंकि ट्रेन खुल गई थी। और निखिल भैया लेकर क्या है, मैगी और नोवा इलायची फ्लेवर मिल्क और नोवा दूध कॉफ़ी फ्लेवर्ड मिल्क, तो ये कुछ नया ब्रांड जिसके बारे में मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये ब्रांड से तब सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हो गए। मैगी मसाला इंस्टेंट मैगी, कितने का दिया भैया ये मैगी? 55 रुपये एक। भाई साहब सबसे बढ़िया भैया घर से बना के ले आते मैगी, अगर आपको खाना था तो खाना था, सिलेंडर ले आते बना लेते बैठ करके, वो अपना वाला अपना वाला बुटेन या फिर LPG वाला।
भैया लास्ट शॉट में आपने देखा था कि मैं बैठ करके एक कोल्ड कॉफ़ी या फिर चॉकलेट मिल्क का मज़े ले रहा था। फिलहाल अभी रात के 8:07 हो रहे हैं, हमारी ट्रेन जो है वो अपनी पीक रफ्तार में चल रही है। अभी शायद कोडरमा स्टेशन इसने क्रॉस किया है एंड हमारी एंट्री जो है वो बिहार में हो गई है। तो वेलकम एवरीवन टू बिहार। अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। फिलहाल ये बताता हूँ कि मेरा अपर बर्थ है तो मैं बैठ के थोड़ा सा काम कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग कर ले रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे दोबारा एडिटिंग करने का मौका कब मिलेगा, कब समय मिलेगा। वेलकम टू गया। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन रुकी है गया में, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि गया उतरने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। तो हमारी ट्रेन लगी हुई है पीछे, मैं सोचा क्यों ना उतर के चाय वगैरह पी लिया जाए, क्योंकि अभी तक सुबह से एक कप चाय का भी दर्शन या नसीब बोलो नहीं हुआ है। तो देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स वगैरह लगी हुई है रेलवे की, IRCTC की, तो मुझे चाय पीनी है। एंड यात्रियों से मुझे सुनने में आ रहा है कि ट्रेन यहाँ पे बहुत देर रुकने वाली है, लगभग आधा घंटा के आसपास का स्टॉपेज है यहाँ पे। तो मैं आराम से चलता हूँ चाय दुकान पर, फिर आपको दिखाता हूँ चाय के मज़े लेते हैं साथ में। भाई दो दे दीजिए। बिस्किट कैसे है यहाँ पे? सर कितना स्टॉक, कितना देर स्टॉप है जिसके अभी है ना? तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दो चाय और दो बॉनबॉन के बिस्किट। फिलहाल देखो मेरा दोनों हाथ जो है वो व्यस्त होने वाला है, तो चाय लेने के बाद मैं चलता हूँ सीधा, मिलता हूँ आपसे ट्रेन के अंदर, क्योंकि भाई हमारे पास दो ही हाथ है, एक से कैमरा पकड़े या फिर चाय पकड़े, आप बताओ। चाय बोलिए भैया। कैसे प्लेट दिए चाय? प्लेट में अरे कैसे कप दिए? क्या क्या करना क्या चाहते हैं आप? ये देखो इतने बड़े ब्लॉगर, इतने बड़े सुपरस्टार यूट्यूब के अभी ना ब्लॉग चाय भेज रहा है ट्रेन में। रोजी रोटी का सवाल है, बजाज में। ये भैया कहाँ रुका? ससाराम। औरंगाबाद। महाराष्ट्र आ गया क्या? औरंगाबाद मुझे नहीं पता, शायद बिहार वाला औरंगाबाद रुकी है। तो सीधा मैं चला सोने के लिए और अब सुबह मिलते हैं आपसे, मेरी जब भी नींद टूटेगी मुझे नहीं पता कब, क्योंकि मैं भाई कुंभकर्ण की नींद सोने वाला हूँ। मिलते फिर सुबह आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। बिरयानी। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस वक्त हमारी ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव से होके गुजर रही है और बाहर का नज़ारा जो है वो कुछ ऐसा है, ऐसा है भैया, और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। हमारे निखिल भैया, गुड मॉर्निंग भैया। ट्रेन जो है सुबह करीब 6 से चल रही है और लगातार ये चल के 1 के आसपास ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन में मुझे उतारेगी। लेकिन ये ट्रेन इतनी बिफोर है कि लगभग दोपहर के 12 ये मुझे आनंद विहार उतार देगी। रात को क्या हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय में इसका समय था रात के 2 पहुँचने का, लेकिन ये ट्रेन वहाँ से 1 ही पहुँच गई 1 घंटा बिफोर। काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रही है। सुबह कानपुर से जो ये ट्रेन खुली है 6, तो ये लगातार चली रही है। मतलब सुबह 6 ये ट्रेन चलना शुरू की है कानपुर से, सीधा ही जा करके आनंद विहार रुकेगी, जो कि लगभग दोपहर के 1 के आसपास। सच्चे भारतीय होने की पहचान क्या, जब तक आप टूथपेस्ट को जान ना मार दो, उसके अंदर से उसका बच्चा पूजा सांस को बाहर ना निकाल दो, तब तक वो टूथपेस्ट काम कर रहता है। ये है सच्चे भारतीय होने की पहचान। वेलकम टू आनंद विहार रेलवे स्टेशन। इस वक्त दोपहर के लगभग 1 रहे हैं। सॉरी मैंने आपको बताया था कि मेरी ट्रेन जो है वो 1.5 बिफोर चल रही थी, लेकिन भाई साहब है तो ये इंडियन रेलवे बिफोर का भी आपको पहुंचाएगी नहीं। भीड़ भाई साहब बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, रश काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार निकल भैया पीछे वो आ जाए, फिर बाहर निकल के आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे, और एक बार थोड़ा रश में दूर हो जाता हूँ, इतना रश मुझे जाना नहीं अंदर। मेट्रो एग्जिट सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 इधर 5 सीधा। प्लेटफॉर्म नंबर
फाइनली वी आर आउट ऑफ द आनंद विहार रेलवे स्टेशन। सामने मेट्रो का लाइन नज़र आ रहा है, वो सामने जो आपको एक ओवरब्रिज टाइप का दिख रहा होगा वो मेट्रो का लाइन है। तो चलते हैं मेट्रो की तरफ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने से मैं तरबतर हो चुका हूँ, मास्क के अंदर भी, मेरे फेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, क्योंकि भाई अचानक से रांची का सुहाना मौसम और दिल्ली की गर्मी, ओ भाई साहब मत पूछो क्या ही फील हो रहा है अभी। बहुत गर्मी है, अभी तो फिलहाल मैं हूँ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के अंदर में। यहाँ पे जब टोकन लेने के लिए लाइन तक काफ़ी लंबा था, सिक्योरिटी चेक का भी लाइन काफ़ी लंबा था, और अभी मैं जा रहा हूँ ब्लू लाइन की तरफ, क्योंकि हमारी जो मेट्रो है वो द्वारका वाली मेट्रो ब्लू लाइन होते हुए जाएगी। मैं पहुंच गया करोल बाग मेट्रो स्टेशन के सामने, और यहाँ से आज के इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ, और आगे का जर्नी आगे वाला वीडियो आपको मालूम चलेगा कि ये अभी एंड नहीं है, इसके बाद और भी कुछ धमाकेदार होने वाला है, उसके लिए आपको चैनल पे जुड़े रहना होगा। तो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है करोल बाग स्टेशन के बाहर से, तो मैं चला यहाँ से अपने फ्रेंड के, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो मेरे ख्याल से आज ही स्टार्ट होने वाला है। बाय बाय।